मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, कौन सा भैया? धारणाओं का। धारणाओं का चैप्टर है और धारणाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी पुलिस नहीं पूछती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज तक धारणाओं से नहीं आए हैं, लेकिन जब आए हैं तो बेहतर आए हैं, और बेहतर को और बेहतर तब करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट सहित इस बात को समझेंगे। और हमने ये ठाना है कि आपको यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल बनाना है, तो इसी बात के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, धारणाओं के लिए दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्या? कि जो चीज़ें हैं वो रेलगाड़ी या समय दूरी से बिल्कुल उल्टी है, अपोजिट हैं। कैसे? जब रेलगाड़ी की अगर हम बात करें, जो दो रेलगाड़ियां अगर विपरीत दिशा से आ रही थी तो उनकी चाल क्या थी? जुड़ जाती थी, और जब एक दिशा में जा रही थी तो यहाँ पर घट जाती थी। लेकिन यहाँ पर धारणाओं में उल्टा है। जब जो है नाव धारा के साथ जा रही होगी तो चाल जुड़ेगी, और धारा के विपरीत जा रही होगी तो चाल घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यू ही नोट याद रखना, जब नाव धारा के साथ चल रही हो तो नाव और धारा की चाल का योग लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब नाव धारा के विपरीत चल रही हो तो नाव और धारा की चाल का अंतर लेते हैं। दो बात तो ये हुई। तीसरी बात क्या है? यदि आपको क्या दिया गया है, यदि धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी गई है तो पहली बात पूछ सकता है वो किसकी? नाव की चाल। तो दोनों का योग बटे दो, और दूसरी बात वो पूछ सकता है धारा की चाल क्या करेंगे, दोनों का अंतर बटे दो। तो ये दो तीन चीज़ें आपको बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, और मैं समझता हूँ सभी चीज़ें आपके जो है बोर्ड पर बिल्कुल सही तरह से पहुँच पा रही हैं। चलिए अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के पूछती है यूपी पुलिस। जब आपसे धारणाओं के क्वेश्चन पूछती है तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं लगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है हमने लगा, और पहला क्वेश्चन क्या है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा की गति बतानी है। तो धारा की दिशा में 9 है भाई नाव की चाल, कुल दूरी बटे कुल समय कर दो। दूरी कितनी थी? दूरी थी 8 किलोमीटर की, और घंटा था 1, इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है
वो धारा की दिशा में चाल है। अब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, वो 2 किलोमीटर जा रहा है एक घंटे में, वो भी तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर दो चीज है कि नाव की चाल भी पूछ सकता है और धारा की चाल भी पूछ सकता है, दोनों के फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे अभी। अब यहां पर इसने धारा की चाल पूछी, तो आप अगर देखेंगे तो धारा की चाल के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों का अंतर मतलब 8 में से 2 घटा दो और बटे दो, 8 में से 2 गए 6 और 6 बटे 2 का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसके क्या हो जाएगी भैया, चाल हो जाएगी, जो आपके किस ऑप्शन में है आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा सी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात भी हम समझ लेते हैं भैया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करती है जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे का समय लगता है, शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे का समय लगेगा ये बताना है। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर हम उसने कहा मन्नत धारा के साथ जो है 7.5 घंटे में तय करती है जबकि धारा के विपरीत जो है वो कितने समय ले रही है, 10.5 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, अगर मैं शांत जल में समय जो है वो कैपिटल टी मान लूं और धारा की दिशा में नाव का समय जो है कितना हो गया, टी हो गया। तो अब यहां पर उसने कहा मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में तय करती है, 7.5 घंटे में तय करती है, इसका मतलब टी माइनस स्मॉल टी बराबर जो है वो 7.5 घंटे हैं। इसके बाद उसने कहा वही दूरी जो है 10.5 घंटे में तय करती है धारा के विपरीत, तो टी प्लस स्मॉल टी बराबर हो जाएगा 10.5 घंटे। ठीक है, 10.5 घंटे इन्हें दोनों को जोड़ दो तो आ गया 2T बराबर कितना आया भाई, 0 और ये आ गया 10 और 7 17 और 1 18 और शांत जल में जो समय लग रहा था वो टी घंटे का था एक तरफ से, दोनों तरफ से 18 घंटे का समय लगेगा और यही आपका आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब होता हुआ। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है जबकि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है, धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल या रजनी की चाल कह दो कितनी हो जाएगी, 135/7.5, 135 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे है, पॉइंट हटा दिया हमने, 15×5=75 है और 15×5=135 और यह 18×5=90, इसका मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में चाल को हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख दें। ठीक है, इसके बाद उसने कहा धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 48/4 होगी भाई, ये हो जाएगी x-y और ये होगी 12 × 48 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
हमें निकालनी है धारा की चाल, हमें निकालनी है किसके भैया, धारा की चाल। तो रखो x का मान है 18 माइनस वाई बराबर 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा भैया, 18 माइनस 12 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो कुल मिलाकर यही तीन वो क्वेश्चन थे जो अभी तक धारा नाव से यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ, धन्यवाद।